डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस में हम लोग यूज ऑफ ईजेएमआर पढ़ रहे हैं। यह चौथा भाग है। अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, शॉर्ट मेमोरी स्टाइल यानी SMS इसमें हम लोग बताते हैं किसी बात को, किसी नियम को किस तरह से आप आसानी से याद कर सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में आपको बताते हैं। एनफ एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज देते हैं, आपको व्हाट्सएप पे बना के भेजने के लिए, जिसे आप लोग बहुत स्टूडेंट बना के भी भेजते हैं मेरे को, मैं खुद उसे चेक भी करता हूँ। जैसा कि कल मुझे पप्पू कुमार सुपौल से जो है भेजे थे हमको बना के, और भी बहुत स्टूडेंट भेजे थे। सपोर्टिंग वर्ड मीनिंग भी इसमें हम आपको दे देते हैं ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। ऑनलाइन टेस्ट सपोर्ट की व्यवस्था है, आप हमसे कभी भी हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई को, जानते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोग ट्रांसलेशन पैटर्न 1D के बारे में बात करेंगे। 1D का स्ट्रक्चर आप देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दिस प्लस इज प्लस नाउन विथ अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। ठीक उसी प्रकार आप दैट के लिए भी देखते हैं, सिर्फ दैट लगा है दिस के जगह, दैट प्लस इज प्लस नाउन विथ अपोस्ट्रोफी एस प्लस नाउन। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि नाउन विथ अपोस्ट्रोफी एस, यहां नाउन सिर्फ प्रॉपर या कॉमन होगा, दूसरा कोई नाउन नहीं होगा। प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन के बारे में विस्तार से हम लोग ग्रामर के वीडियो में जानेंगे। बहुत जल्दी मैं ग्रामर का भी एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें आपको ग्रामर भी बेसिक टू एडवांस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं रूल्स ऑफ अपोस्ट्रोफी एस। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो आप देखिए यहां पे का, के, की के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आपको यहां पे दिया गया है, मोहन की गाय, तो मोहन के लिए हम लोग तो यहां पे मोहन लिख दिए। की के लिए क्या लिखेंगे, तो की के लिए हम लोग यहां पे अपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे। गाय के लिए काऊ आपको पता है। दूसरे एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए, लड़कों का स्कूल, यहां पे बॉयज अपोस्ट्रोफी स्कूल है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे अपोस्ट्रोफी एस के पहले लगा है, लेकिन यहां पे एस के बाद अपोस्ट्रोफी को लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, इसके रूल को हम लोग समझते हैं। तीसरा एग्जांपल देखिए, बच्चों का खिलौना, चिल्ड्रंस टॉय, यहां पे भी देखिए अपोस्ट्रोफी का यूज एस के पहले किया गया है। बॉयज में आपको बाद में किया गया था, इसमें पहले क्यों किया गया है, उसका रूल ये है। और शॉर्ट मेमोरी स्टाइल भी है जो इसको आपको याद रखना है, अगर नाउन सिंगुलर हो तो उसके अंत में अपोस्ट्रोफी एस प्लुरल हो तथा एस से समाप्त ना हो तो उसके अंत में अपोस्ट्रोफी एस, तथा प्लुरल नाउन एस से समाप्त हो तो उसके अंत में केवल अपोस्ट्रोफी लगता है, जैसे कि बॉय में लगा था। अब इस बात को फिर से मैं उसी एग्जाम्पल को दिखा के आपको समझाता हूं। देखिए आप अपने स्क्रीन पे, यहां पे देखिए बॉय में पहले से एस लगा हुआ है, क्योंकि लड़को है, यहां पे बॉयज प्लुरल है, इसलिए इसके बाद आपको एस के बाद अपोस्ट्रोफी सिर्फ लगाया गया है, दोबारा एस कोई नहीं लगाया गया है। वही मोहन में वैसी बात नहीं है, यहां पे सिंगुलर है, इसलिए आपको यहां पे मोहन सिर्फ लिख के अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया है। मुझे उम्मीद है इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तो आइए और एग्जाम्पल्स से समझते हैं इन बातों को। पहला एग्जाम्पल आप अपने स्क्रीन पे देखिए, अमित की बिल्ली, अमित्स कैट, लड़कों का स्कूल, बॉयज स्कूल। यहां पे भी ध्यान दीजिए कि लड़को है तो बॉयज में क्या किया गया, पहले से एस है, इसलिए अपोस्ट्रोफी को बाद में लगाया गया है। जहां एस ना हो वहां पे आपको पहले लगाना है, ध्यान रखिएगा प्लुरल में बाद में हो जाता है। बच्चों का स्कूल, चिल्ड्रंस स्कूल, रमेश की कलम है, यह रमेश की कलम है, दिस इज रमेश पेन। यह छात्रों का स्कूल है, दिस इज स्टूडेंट्स स्कूल। यहां पे फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि छात्रों है, स्टूडेंट्स है, इसलिए अपोस्ट्रोफी को बाद में रख दिया गया है। और एग्जांपल्स को देखते हैं, यह मोहन की
गाय है, दिस इज मोहन्स काउ, यह अमित का घर है, दिस इज अमित हाउस, यह सुमित का कुत्ता है, दिस इज सुमित डॉग, दिस यह अनिल की साइकिल है, दिस इज अनिल्स बाइसिकल, यह लड़कों की गेंद है, दिस इज बॉयज बॉल। वह इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे दैट में रखा गया है, वह मोहन की गाय है, दैट इज मोहन्स काउ, वह अमित का घर है, दैट इज अमित हाउस, वह सुमित का कुत्ता है, दैट इज सुमित डॉग, वह अनिल की साइकिल है, दैट इज अनिल्स बाइसिकल, वह लड़कों की गेंद है, दैट इज बॉयज बॉल। यहाँ पे फिर ध्यान दीजिए, अपोस्ट्रोफी को बॉयज एस के बाद लगा दिया गया है। अब आज के लिए एक्सरसाइज, यहाँ पे कुछ ट्रांसलेशन मैं दे दिया हूँ, इसे आपको बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम उसे चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप कितना सही बताएं कितना गलत बनाएं। सपोर्टिंग वर्ड मीनिंग आपको यहाँ पे दे दिया गया है, अगर किसी शब्द में परेशानी है तो आप यहाँ से उसे देखिए और फिर हमें बना के भेजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताइए, अगर आपका कोई सुझाव है तब भी हमें कमेंट करके बताइए, अगर आपको अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर आप करते रहिए जैसे आप पहले करते आ रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।